मूवी के स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम हाई टेक्नोलॉजी से लैस एक मशीन को देखते हैं जो हीरो को उठा रहा होता है, और उन हीरो की चोरी करने वाले होते हैं तीन बिल्ले। पुलिस जब वहां आती है तो वो पुलिस को चकमा देकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर हम घोड़े में सवार एक आदमी को देखते हैं और वो बिल्ले उसी आदमी को हीरा देकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम एक ओल्ड मैन डॉक्टर वॉटसन को देखते हैं जो घबराते हुए एक घर के अंदर जाता है। वहां हम होम्स को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव था। वो वॉटसन को बताता है उसे पता है कल रात चोरी हुई है और ये तीन दिन में तीसरी डायमंड चोरी हुई है। होम्स को न्यूज़पेपर चाहिए होता है, इसलिए वो जैरी को बुलाता है। जैरी अपने रूम में केमिकल से एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसके बाद होम्स जैरी को न्यूज़पेपर लाने के लिए एक कॉइन देता है और जैरी उस कॉइन को लेकर निकल पड़ता है। फिर हम टॉम को देखते हैं जो एक लेटर के साथ किसी को ढूंढ रहा होता है। जैरी न्यूज़पेपर लेकर घर वापस आ रहा होता है, पर रास्ते में उसकी फाइट टॉम से होने लगती है। टॉम जैरी का पीछा करते हुए उसके घर तक आता है और उनकी इस फाइट में न्यूज़पेपर की हालत ख़राब हो जाती है। पर टॉम जिसको ढूंढ रहा होता है वो होम्स था और उसे लेटर देता है। होम्स को एक नया केस मिलता है जिसके लिए वो वॉटसन के साथ म्यूजिक हॉल के लिए निकलता है और टॉम एंड जेरी को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ में रहने के लिए कहता है। उसके बाद हम म्यूजिक हॉल में एक ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं जो गाना गा रही होती है और उसको देखकर सब उसके दीवाने हुए जा रहे थे। उस लेडी का नाम रेड होता है और उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से छुपकर इस लो क्लास म्यूजिक हॉल में गाना गाती है। इसलिए उसने शेरलॉक होम्स को मदद करने के लिए यहाँ बुलाया। होम्स रेड से उसका पता पूछता है। रेड बताती है ब्राइटन एंड लेन के कॉर्नर में पंजाब एमएससी के पीछे रहती है। होम्स को इस ब्लैकमेल का केस समझ में आता है। वो वॉटसन को बताता है ये हमारे पुराने केस रेड हेडेड लीग जैसा ही है जिसका मुजरिम प्रोफेसर मोरियार्टी था और वो होम्स का जाने दुश्मन भी था। होम समझ जाता है ये केस पैसों का नहीं है बल्कि रेड को उसके घर से निकालने का है। वॉटसन को होम्स की बातें समझ नहीं आती। होम्स उसे बताता है कल इस दुनिया का सबसे मशहूर स्टार ऑफ पंजाब का प्रोग्राम पंजाब एमएलसी में है जिस पर सूर्य ग्रहण की रोशनी का सबसे गहरा असर होता है और सूर्य ग्रहण अगली सुबह 8 बजे होने वाला था। होम्स समझ जाता है इस डायमंड की चोरी आज रात ही होने वाली है, इसलिए वो सबको लेकर इस चोरी को रोकने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम उस मशहूर डायमंड को देखते हैं जिसकी रखवाली एक डॉग कर रहा होता है और अपने बेटे को रखवाली कैसे करनी है वो सिखा रहा होता है। पर दूसरी तरफ वो बिल्ले फ्लोर में होल करके वो डायमंड को चुरा लेते हैं और उस डॉग को भनक तक नहीं लगती। होम्स और बाकी सब रेड के घर पहुंचते हैं और सुरंग का रास्ता ढूंढते हैं। जैरी उसका पता लगाता है। वो सब सुरंग के अंदर जाते हैं। होम्स समझ जाता है डायमंड की चोरी हो चुकी है। रेड ये सारी बातें पुलिस को बताने के लिए कहती है पर होम्स मना करता है क्योंकि सारा शक रेड पर आएगा क्योंकि वो चोर रेड के घर से भागे हैं। तभी होम्स को एक बटन मिलता है पर तभी वो डॉग रेड अलार्म दबा देता है। होम्स और बाकी सब सुरंग से जल्दी बाहर आते हैं। होम्स टॉम एंड जेरी को रेड की हिफाजत और उसे अपने फ्लैट तक ले जाने को कहता है और वो वॉटसन के साथ उस बटन का पता लगाने निकल पड़ता है। टॉम एंड जेरी रेड को लेकर फ्लैट की तरफ बढ़ने लगते हैं। घर के बाहर जैरी को उन बिल्लों का फुटप्रिंट दिखता है। ये बात जैरी टॉम को बताने की कोशिश करता है। टॉम उसकी बात नहीं सुनता और उस पर सॉवल से हमला करता है। तभी वो बिल्ले वहां आकर टॉम से सॉवल लेकर निकल जाते हैं। जैरी टॉम को समझाता है ये बिल्ले ही डायमंड चोर हैं। दूसरी तरफ पुलिस रेड के घर पहुंच जाती है और उसे ही चोर समझकर ढूंढने निकल पड़ती है। जैरी रेड को पुलिस से बचाने के लिए वो उसे अपने भाई के घर लाता है। उसके भाई के पूछने पर जैरी उसे पूरी कहानी बताता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। वो जैसे तैसे पुलिस से छुपते हुए वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में जैरी को वही सॉवल दिख जाता है जो उन बिल्लों का था। जैरी सबको बताता है हो न हो वो बिल्ले इसी म्यूजिक हॉल में होंगे। टॉम वेटर बनकर उस हॉल में जाता है। जैरी और उसका भाई छुपकर उन बिल्लों को देखते हैं। रेड गाना गाकर उन बिल्लों का ध्यान भटकाती है। इसी का फायदा उठाते हुए जैरी उस डायमंड को चुरा लेता है पर वो बिल्ले समझ जाते हैं डायमंड गायब हो गया है। वो जैरी को डायमंड ले जाते हुए देख लेते हैं। वो उसका पीछा करते हैं और डायमंड के साथ जैरी को भी लेकर भागने लगते हैं। टॉम जैरी को बचाने के लिए उनके पीछे जाता है।
जैरी बच जाता है पर वो बिल्ले डायमंड लेकर उड़ जाते हैं। उसके बाद वो सब सॉवल को देखते हैं जो एक कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी होती है। वो समझ जाते हैं वो बिल्ले कब्रिस्तान ही गए होंगे। दूसरी तरफ होम्स को बटन के बारे में पता चलता है जो एक बतख के पंख से बना हुआ होता है। होम्स को शक होता है बतख का ऑनर ही चोर है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ टॉम एंड जेरी रेड के साथ उन बिल्लों को ढूंढने कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें वो डायमंड दिख जाता है। जेरी जैसे ही डायमंड लेने जाता है तभी घोड़े में सवार एक आदमी वो डायमंड लेकर भागने लगता है। जेरी उसके ऊपर कूदता है और उसके पॉकेट से एक चाबी चुरा लेता है, पर तभी वहां पुलिस आ जाती है। उनसे बचने के लिए वो सब छुप जाते हैं। तभी रेड बताती है उनके एक फैमिली फ्रेंड है जो उसकी मदद कर सकते हैं। रेड सबको लेकर उसके घर जाती है। वो आदमी रेड को घर के अंदर बुलाता है और टॉम एंड जेरी और उसका भाई बाहर ही रह जाते हैं। तभी उनकी नजर घोड़े पे जाती है। वो समझ जाते हैं यही आदमी चोर है और रेड उसी के साथ होती है। वो रेड को बचाने के लिए उस चाबी की मदद से घर के अंदर जाते हैं, पर उस आदमी को भनक लग जाती है। टॉम एंड जेरी उससे बचने के लिए टेरेस तक पहुंच जाते हैं जहां टॉम गलती से एक स्विच ऑन कर देता है। तभी उन्हें वो डायमंड नजर आता है। जेरी डायमंड के पास जाता है पर गलती से वो सब डायमंड के साथ घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं वो तीनों बिल्ले रेड को बंदी बना लेते हैं और वो आदमी बताता है वही प्रोफेसर मोरियाटी है और उसी ने रेड को होम्स के पास भेजा और होम्स को नकली और झूठे सुराग दिए जिससे वो ये चोरी कर सके। और उसका मकसद होता है ताज के हीरे रत्न को चुराना। उसके बाद प्रोफेसर उस डायमंड को एक आधुनिक मशीन पर डालता है जो सूरज की रोशनी के साथ कई किरणों को निकालकर शीशों की मदद से वो टावर ऑफ लंदन को काट सकती है। दूसरी तरफ होम्स परेशान होता है पर तभी वो अपना दिमाग लगाता है और समझ जाता है अगली चोरी ताज के हीरो की होगी और उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है। इधर प्रोफेसर सूर्य ग्रहण का इंतजार करता है। सूर्य ग्रहण होते ही वो उस मशीन को ऑन कर देता है। उससे उतनी तेज रोशनी निकलती है और वो टावर को काट देती है। वो बिल्ले हीरो को चुरा कर प्रोफेसर को देते हैं। टॉम जैसे तैसे पिंजड़े से बाहर आता है और फ्लाइंग मशीन से प्रोफेसर का पीछा करता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले बिल्लों को पकड़ लेते हैं। इधर टॉम एंड जेरी रेड को बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जेरी प्रोफेसर को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी वहां होम्स भी आ जाता है और प्रोफेसर को रोकने की कोशिश करता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। उसी बीच उनकी गाड़ी समुद्र में गिरने वाली होती है, पर रेड सबको लेकर उस गाड़ी से कूद जाती है और होम्स हीरो के साथ। उसके बाद होम्स प्रोफेसर को पुलिस के हवाले कर देता है और रेड एक डॉग से शादी कर लेती है। जेरी टॉम के साथ मस्ती करता है और शुरू हो जाती है टॉम एंड जेरी फाइट और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।